हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यदि आप राशन कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वरना आपके राशन कार्ड में जितने भी नाम हैं वो सब हटा दिए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें, अभी जो जनगणना का काम है, जातीय जनगणना का, वो सेकेंड जो फेज है उसका, वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, उनका इनकम क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है, आपके गाड़ी में, घर में वाहन है नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बेसिक आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि बिहार में जितने भी जाति वर्ग के लोग हैं, किस समुदाय में, किस जाति में कितना गरीबी है और कितना इनकम है, इसका डेटा सरकार के पास होना मांगता है। साथ ही साथ कितने जाति वर्ग के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब इसमें यह भी देखा जाएगा कि फॉरवर्ड में भी बहुत सारे गरीब हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल अलग से किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक के लिए, उनके लिए कुछ स्पेशल अलग से किया जाएगा। जो और अलग समुदाय के लोग हैं, अलग जाति वर्ग के लोग हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, उनके लिए भी कुछ नई योजना निकाली जाएगी। जब एक डेटा सरकार के पास होता है तो फिर उसी डेटा के आधार पर कोई भी स्कीम, कोई भी योजना सरकार यहाँ पर निकालती है। तो मूल जो मकसद है सरकार का, यही सब मकसद है। और साथ ही साथ जो राशन कार्ड धारक हैं उसके लिए भी यहाँ पर, अगर आपका आर्थिक आय बहुत अच्छा है और आपका सब कुछ है, गाड़ी वाहन वगैरह सब कुछ है, तो उसके हिसाब से भी आपका राशन कार्ड देखा जाएगा। ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप राशन कार्ड के लिए अर्हता रखते हैं या फिर नहीं। अभी जो राशन कार्ड के लिए अपडेट निकल करके आ रहा है वो आपको बता दें, यहाँ पर आम सूचना जारी कर दिया गया है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के सभी लाभुकों को सूचित किया जाता है, यानी बिहार के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं सभी को यह सूचित किया जाता है। और साथ ही साथ जो बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य के भी हैं उनके लिए भी यह सूचना, आपको बता दें, निकाला गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या SO 1392E दिनांक 23/3/2023 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 30/6/2023 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। देखिए, आधार सीडिंग कि तो बहुत पहले से बात कही जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें लापरवाही बरते हैं, बहुत सारे लोगों ने सीडिंग नहीं कराया। सीडिंग क्या है वो भी हम बता रहे हैं आपको। जैसे आप में, आपका राशन कार्ड है एक, ठीक है, आपके परिवार के मुखिया के नाम से, आप में से जितने भी परिवार में सदस्य हैं, 6 हैं 5 हैं 4 हैं, तो ऐसा होता था कि आप में से जो परिवार के सदस्य हैं उन्हीं में से 2, 3, 4 का सीडिंग होता था, आप 6 लोगों का उठा रहे हैं। या फिर सीडिंग भी किया गया था तो डीलर की तरफ से या फिर कहीं और के उसके तरफ से किसी और का कर दिया गया था, तो ऐसे में आपका सही सीडिंग, अब सरकार ने कहा है कि सही सीडिंग आपका होना मांगता है, तो आधार के साथ अपने राशन कार्ड को आपको जोड़ना है, जो कि आपको सभी परिवार में, जितने भी परिवार में सदस्य हैं सभी को ऐड करना है, ठीक है। इसका दिनांक आपको बता दिया गया है 30/6/2023 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है भैया। अतः सभी राशन कार्डधारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 30/6/2023 तक अनिवार्यता रूप से आप करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ई पोस यंत्र के माध्यम से निशुल्क आधार सीडिंग EKYC करा सकते हैं। EKYC जो आधार सीडिंग होता है ना, वो आप करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जहां से आप राशन उठाव करते हैं वहीं पर आप करा में, आपके अगल बगल या आप कहीं भी हों, जहां भी हों, वहां से आप करा सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये आपको सुविधा दी गई है कि भारत में कहीं भी आप हैं तो आप आधार सीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 30/6 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून 2023 तक अगर आप नहीं कराते हैं तो ऐसे सभी सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा जो लिंक नहीं है, यानी जो आधार के साथ सीडिंग नहीं है पोस्ट मशीन में। दिनांक 1/7/2023 से प्रभाव से आपको हटा दिया जाएगा और फिर राशन उन्हीं लोगों का मिलेगा जो उसमें सदस्य होंगे। तो सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को फिर नहीं दिया जाएगा। तो ये आम सूचना जो कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट्स है, तो इसको आपको नोट कर लेना है और जा करके अपने डीलर के पास
पास ई पोस्ट मशीन में अपना सेटिंग करवा लेना है। परिवार में जितने भी मेंबर हैं सबका करवा लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माता का, पिता का, बड़े भाई का, बहन का, सबका करवा लेना है। अब एक और दो सवाल इसमें ऐड कर देता हूँ जो कि बहुत सारे पूछे गए हैं कि जैसे राशन कार्ड के सुधार के लिए ऑनलाइन व्यवस्था तो चालू है, ये आप जानते हैं। राशन कार्ड नए बनाने के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था चालू है, ये भी आप जानते हैं। अब कुछ लोगों का जैसे शादी हो चुका है, मायके में थी, अब शादी हो चुका है, वो ससुराल में चल गई और वहाँ राशन कार्ड अप्लाई कर रही है, तो राशन कार्ड उनका अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका राशन कार्ड पहले से यहाँ पर सीडिड है, लिंक है, ठीक है। तो वो जब भी वहाँ पर आधार कार्ड के साथ वहाँ उनको राशन कार्ड बनाने के लिए जब वो अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मायके में राशन कार्ड है उसमें से आपका नाम आपको डिलीट करना होगा। आप फ़ोन करके बोल दीजिए या फिर आप खुद ही जा करके करवा लीजिए। तो वहाँ से जब डिलीट हो जाएगा तो इसमें कुछ दिन का प्रक्रिया लगता है। डिलीट हो जाने के बाद ये भी व्यवस्था ऑनलाइन है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आप जहाँ भी हों वहाँ से ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। अब कुछ परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो अपना राशन कार्ड अलग करना चाहते हैं, परिवार ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो ऐसे में भी उनको अपने माता पिता के जो आधार जो राशन कार्ड है उसमें से नाम हटा करके डिलीट करवा करके फिर नया के लिए अप्लाई वो कर सकते हैं। बाकी नाम ऐड करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था चालू है, नए बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था चालू है। किसी भी प्रकार का सवाल राशन कार्ड के रिगार्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिंदास कमेंट हमें कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी टॉपिक पर कमेंट आएगा तो हम उस टॉपिक पर एक वीडियो ही पार्टिकुलर बना करके आपको दे देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।